हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मेडिटेशन। आई नो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि मेडिटेशन क्या है और इसे किया कैसे जाता है। मोस्ट ऑफ लोगों को लगता है कि मेडिटेशन हमारे काम की चीज़ है ही नहीं, ये सिर्फ संत साधु या बुजुर्ग लोगों के लिए ही होता है। इन शॉर्ट मैं कहूँ तो सबको यही लगता है कि मेडिटेशन मतलब बोरिंग, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही सोच बदलने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में मेडिटेशन क्या है और उसे कैसे हम अपनी डेली रूटीन का पार्ट बना के अपनी लाइफ और आसान और स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। आजकल हर इंसान कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेस से गुजर रहा है। जॉब का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, फाइनेंशियल, फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस। तो आप भी अगर इनमें से किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी लाइफ बदल देगा। सो वेट, तो अगर आपको ये लगता है कि मेडिटेशन सिर्फ स्ट्रेस लोगों के लिए ही है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जैसे हम अपनी बॉडी के लिए जिम जाते हैं या योगा करते हैं या अपने आउटर ब्यूटी के लिए ब्यूटी पार्लर या कोई ट्रीटमेंट कराते हैं, इसी तरह फ्रेंड्स कभी आपने ये सोचा है कि हम अपनी डेली रूटीन में अपने माइंड और सोल को हेल्दी रखने के लिए क्या करते हैं? तो इसी का जवाब अगर एक वर्ड में मैं कहूँ तो वो है मेडिटेशन। तो फ्रेंड्स आइए अब समझते हैं कि मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो मतलब है ध्यान। अब आप सोच रहे होंगे ध्यान मतलब क्या? तो फ्रेंड्स ध्यान मतलब अपनी सांसों से जुड़ना और अपने आप को पहचानना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेडिटेशन करें कैसे। मेडिटेशन करने के बहुत तरीके हैं जिन्हें हम आने वाले वीडियोस में और अच्छे से जानेंगे, पर इस वीडियो में मैं आपको मेडिटेशन करने का आसान तरीका बताऊंगा जिससे कि आप कहीं भी अपने मन से जुड़ पाएं। मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा समय सुबह 4 से 6 है, पर आई नो आज की बिजी लाइफ में सभी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। पूरे दिन में कभी भी अच्छे से किया गया मेडिटेशन फायदेमंद ही होता है। आपको अपनी डेली लाइफ से सिर्फ 15 से 30 मिनट निकालने हैं और अपनी लाइफ की सारी टेंशनों को दूर करना है। अगर इतना सा करने से हमें इतना ज़्यादा मिल सकता है और वो भी विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल रुपी, तो इसमें बुरा क्या है? सो फ्रेंड्स आज से अपनी लाइफ को बदलना है तो मेडिटेशन को अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए। एक चीज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इट विल चेंज योर लाइफ। आइए अब मेडिटेशन करने का सबसे बेसिक तरीका जानते हैं। सबसे पहले एक शांत वातावरण चुनिए, जैसे कि ओपन टेरेस, गार्डन या घर का कोई भी शांत कमरा जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका फोन साइलेंट या स्विच ऑफ कर दें ताकि उसका कोई भी नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब ना करे। मेडिटेशन करने के लिए आपको एक आसन लेना है और उस पर पद्मासन पोजीशन में बैठ जाना है, या कोई जमीन पर ना बैठ पाए तो किसी कुर्सी पर भी बैठ सकता है। जरूरी बात ध्यान रखने लायक ये है कि मेडिटेशन में रीढ़ की हड्डी यानी कि आपकी बैक को सीधा रख के ही बैठना जरूरी है। फिर आंखों को बंद करके लंबी गहरी सांस लीजिए, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतना धीरे करें और लंबा खींचें। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों के आने और जाने पर केंद्रित करें। शुरू शुरू में ये आपको डिफिकल्ट लग सकता है, पर कुछ ही दिनों में आप इसे इंजॉय करेंगे और अपनी सांसों से जुड़ने लगेंगे। ध्यान करते समय आपको कई प्रकार के थॉट्स आएंगे, पर हमें उन थॉट्स को रोकना नहीं है, ना ही उनमें खो जाना है। उन थॉट्स को आने दें और जाने दें, क्योंकि थॉटलेस यानी कि विचारहीन होना ही मेडिटेशन या ध्यान की अवस्था कहा गया है। पहले 2-4 मिनट अपनी सांसों पर ही फोकस कीजिए, उससे आप ध्यान की पोजीशन के करीब आ जाओगे। सांस कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, उस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। फिर जब आप ध्यान की पोजीशन में आ जाओगे तो कोई भी बीज मंत्र जाप से ध्यान को और गहराई में लेके जा सकते हैं। बीज मंत्र मतलब ओम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, या आप जिस भी भगवान में बिलीव करते हैं उनका कोई मंत्र का ध्यान कर सकते हैं। अगर आपको कोई बीज मंत्र से मेडिटेशन ना भी करना हो तो सिर्फ सांसों पे कॉन्सेंट्रेट करके भी मेडिटेशन कर सकते हैं। इतना ही करना है, सिर्फ 15 से 30 मिनट, जितना आपकी कैपेसिटी हो, डेली, हर रोज। बस इतना करने से ही आपको अपने आप में बदलाव दिखने लग जाएगा, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, मेडिटेशन का पॉजिटिव इफेक्ट आपकी डेली लाइफ के कामों में भी नजर आएगा। आप बहुत एनर्जाइज्ड और पॉजिटिव फील करेंगे और अपने आजू बाजू के स्ट्रेस से भी राहत महसूस करेंगे। छोटी छोटी बातों पे आपका इरिटेट होना भी कम हो जाएगा। इन सब के बदले आप अपना पूरा फोकस और कंसंट्रेशन अपने काम, फैमिली और अपने आप पर लगा सकोगे।
है ना मेडिटेशन का ये आसान तरीका। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि मेडिटेशन क्या है, कैसे इसे आसानी से किया जा सकता है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। पर ये सिर्फ इस वीडियो को देखने से ही नहीं होगा, आपको आज से मेडिटेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। आगे के वीडियोस में हम मेडिटेशन से जुड़ी और कई बातें जानेंगे, तो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।